नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम जो नाश्ता बनाने जा रहे हैं तो एक कच्चे आलू और सूजी से बना करके तैयार करेंगे। तो इस नाश्ते को तैयार करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और खाने में जो उसका स्वाद है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कटोरी सूजी लेंगे और दो हमने कच्चे आलू लिए। तो इसके बाद जो सूजी है उसको मिक्सी के जार में डालेंगे। तो आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। और जो आलू है आलू को भी छोटे छोटे पीस में काट करके जार के अंदर डाल देंगे। तो आलू को हमें बारीक बारीक पीस में काट लेना है। तो यहाँ पर हमने दो कच्चे आलू डाले हैं। तो ये जो नाश्ता बनता है एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो आप चाहें तो इसको सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो इसके बाद इसमें करीब हम 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे। अगर दही थोड़ी खट्टी है तो 2 चम्मच डालेंगे। तो दही हमने डाल दिया है और थोड़ा सा चीनी डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक डालेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर हमने साबुत जीरा डाला है। और इसके बाद हम 1/4 कटोरी पानी डालेंगे। तो पानी अभी हम यहाँ पर कम डालेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में डाल लेंगे। और इसका बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए एकदम बारीक पेस्ट बन करके तैयार है। तो इसके बाद जो पेस्ट है इसको किसी बर्तन में पलट लेंगे। तो देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बना है। तो इसको अभी हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। तो इसके बाद इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो आप इसमें सीजन के अनुसार सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर को बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसमें मटर, गाजर, जो भी आपके पास सब्जी है, बीन्स, वो इसमें के अंदर डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो मसाले भी आपके पास जो अवेलेबल हैं वो डाल सकते हैं, जिसका आपको स्वाद पसंद हो जिन मसालों का। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सांभर मसाला डाला है। तो आप सांभर मसाला की जगह पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है। और अगर आपके पास मैगी मसाला है तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। तो एक आलू को हमने ये कच्चा कद्दूकस कर लिया है, तो ये आलू भी इसके अंदर डाल देंगे। और सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो मैंने अभी इसमें प्याज नहीं डाला है, मैं थोड़ा सा मसाला बिना प्याज के निकालूंगी। इसके बाद में मैं इसमें बारीक काट करके प्याज भी डालूंगी। अगर आप लोग प्याज नहीं डालना चाहते तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं। तो मैंने मसाला इसमें से निकाल लिया है। तो इसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दूंगी। और थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो ऑयल बिल्कुल 1 चम्मच के करीब ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इससे जो नाश्ता बनेगा एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो इसमें हम सब्जियां भी अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं। वो आपके बच्चे सब्जियां बड़े शौक से खा लेंगे। अगर सब्जियों में
सब्जी बना के खिलाते हैं, हरी सब्जियाँ, तो बच्चे आजकल नहीं खाते हैं, तो इसमें आप बीन्स और जो भी सब्जी आपके पास है वो डाल सकते हैं इसके अंदर, तो आपके बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए अभी गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर ऑयल गरम करने रख दिया है। तो इसके बाद एक बड़े चम्मच से बैटर लेंगे और गोल गोल फैला देंगे, तो ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। तो देखिए जो नाश्ता है हमारा एकदम से फूल गया है, तो एकदम फूला फूला बन के तैयार होगा और इसको सेकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको अलटते पलटते हुए सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो देखिए जो नाश्ता है हमारा उसके अंदर अच्छा कलर आ चुका है, तो ऑयल को भी ये ज़्यादा नहीं सोखता है, कम ही ऑयल लेता है। तो थोड़े से ही ऑयल में जो आपका नाश्ता है वो सिक करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए अभी बाहर निकाल लेंगे, तो इस तरह सिक करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म सूजी और आलू का नाश्ता बन करके तैयार है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप भी बनाकर देखिएगा, मुझे यकीन है आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।